वेलकम टू VS Academy। आज हम HTET के पेपर में हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और HTET में हिंदी के जो लैंग्वेज है उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने HTET लेवल 3 यानी PGT के CDP के 30 क्वेश्चंस किए थे, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 31st क्वेश्चन जो आया हुआ था वह था संधि से, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर वन है युधि जमा स्थिर युधिष्ठिर, दूसरा है गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश, थर्ड है अभी जमा इप्सा अभिप्सा, फोर्थ गति जमा अवरोध इज इक्वल गत्यावरोध। तो इसका जो सही आंसर है HSSC द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग आंसर्स बताए जा रहे हैं, उसका जो सही आंसर है वह है युधिष्ठिर, युधि जमा स्थिर युधिष्ठिर सही संधि युक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। चार ऑप्शंस हैं, सचिन क्रिकेट खेलेगा, ऑप्शन टू सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, ऑप्शन थर्ड सचिन से क्रिकेट खेला जाता था, ऑप्शन फोर सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर फोर सही आंसर है। उक्त वाक्य को जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यह हो जाएगा सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुर भेक शालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शंस हैं हाथी बंदर मेंढक और सिंह। इसका सही आंसर है मेंढक, मेंढक शब्द के पर्यायवाची हैं दादुर भेक और शालूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, नंबर वन है भागिने भगिनी जमा ये, दूसरा है वार्धक्य वर्धक जमा ये, तीसरा है ऐश्वर्य ईश्वर जमा ये, ऑप्शन फोर है वैशिष्ट्य विशिष्ट जमा ये, और इसका सही आंसर है भागिने भगिनी जमा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास विग्रही दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन वन शुभंकर शुभ को करने वाला, ऑप्शन टू है रसमलाई रस में डूबी हुई मलाई, ऑप्शन थ्री नवयुवक नौ युवकों का समय समूह, ऑप्शन फोर शाखा मृग शाखाओं पर रहने या दौड़ने वाले मृग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड नवयुवक नौ युवकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? ऑप्शन वन इतना खा लिया इसे कैसे पचाओगे, ऑप्शन टू शीला के समान कोई आलसी नहीं है, ऑप्शन थर्ड मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है अब थोड़ा आराम करूँगा, ऑप्शन फोर जरा सोच समझकर बोलिए। तो इसका सही उत्तर है शीला के समान कोई आलसी नहीं है, यह संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? ऑप्शन वन चलना मुस्कुराना खिलना, ऑप्शन टू दौड़ना रूठना लिखना, ऑप्शन थ्री हंसना खाना सोना, ऑप्शन फोर रोना उठना काटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन चलना मुस्कुराना खिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन वन परी पर्यंक परिभाषिक पर्युषण, ऑप्शन टू अति अतियुक्ति अतीत अत्यावश्यक, अन अनसूया अनाधिकार अनशन, ऑप्शन फोर प्रति प्रत्यर्पण प्रतीक्षा प्रतीक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड अन अनसूया अनाधिकार और अनशन, यह असंगत है उपसर्ग की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। ऑप्शन वन विधि निषेध, ऑप्शन टू खल सज्जन, ऑप्शन थ्री अमर मृत्य, ऑप्शन फोर वैर क्रोध। 39 का जो सही ऑप्शन है आंसर है जो कि अनुचित है वह है वैर क्रोध, यह सही से मिलान नहीं है, ये सही विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में
कौन सा विकल्प असंगत है? यह तालव्य अल्पप्राण घोष, ई तालव्य हर्स्व अवृतमुखी, थर्ड है ब ओष्ठ्य घोष अल्पप्राण, फोर्थ है स मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर, यह असंगत है। स षटकोण वाला स मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष। निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन थर्ड रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, ऑप्शन फोर शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, और इसका जो सही ऑप्शन है वह है शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? संगत नहीं है वही कि मेल नहीं है असंगत, और पीछे भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, असंगत ही पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ऑप्शन है नंबर एक ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, सेकंड अपना समूह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ऑप्शन थर्ड है अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ऑप्शन फोर ऊंट का सुई की नोक से निकलना शक्तिशाली का कमजोर होना, और इसका यही आंसर सही है कि ऊंट का सुई से निकलना शक्तिशाली का कमजोर होना, यही ठीक से मैच नहीं है, संगत नहीं है, बाकी सारे अर्थ की दृष्टि से सारे मुहावरे सही हैं। नेक्स्ट है वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यह फिर से नहीं वाला ही है, ऑप्शन है दुष्ट तुझे धिक्कार है विस्नादि बोधक वाक्य, ऑप्शन टू मैंने माँ का कहना नहीं माना निषेध बोधक वाक्य, ऑप्शन थर्ड हो सकता है वह आज शाम को आए इच्छा बोधक वाक्य, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे संकेतार्थक वाक्य। जो 43rd क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन है यह सही है, हो सकता है वह आज शाम को आए, यह इच्छा बोधक वाक्य नहीं है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, यही गलत है, और इन्होंने नहीं वाला ही पूछा था कि जो ठीक से सुमेलित नहीं है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, फिर से असंगत मतलब नहीं वाला ही है कि कौन सा सही नहीं है, गोस्वामी तत्सव शब्द, सेकंड मुकदमा देशज शब्द, थर्ड पंख तद्भव शब्द, फोर्थ तहसीलदार संकर शब्द, और इसका सही उत्तर है मुकदमा देशज शब्द, यह असंगत है, बाकी सारे संगत हैं, सही हैं। चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है, लोकोक्ति पूछी गई है कि चिकना मुंह पेट खाली है इसका सही अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन हैं अपने हाथ से दान देना, देखने में सुखी भीतर से दुखी, अत्यधिक प्यारा होना, जबरदस्ती गले पड़ना, तो इसके लोकोक्ति से ही इसका अर्थ स्पष्ट है कि इसका सही उत्तर है देखने में सुखी भीतर से दुखी, इसका सही आंसर है।